स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड में। आज आपके बीच आपके सीनियर्स आए हैं, आज हम इनके साथ थोड़ी सी चिट चैट करेंगे और ये आपको अपनी स्ट्रेटजीज बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या अप्लाई किया था ताकि इनके इतने अच्छे मार्क्स आए। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना। ये जितने सामने आपको देख रहे हैं सब छोटे मोटे बच्चे हैं, ठीक है। आप तो एग्ज़ाम दे चुके हो, आपने तो फोड़ दिया एग्ज़ाम। अब आपने इनको बताना है कि भाई तुमने कैसे करना है, एग्ज़ाम्स में कैसी तैयारी करनी है, और आपने अपने सीनियर से सीखना है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल होगा, वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या क्या अप्लाई किया था। तो जशन, आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, एजुकेशन, इतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो मुझे मिली हैं। मैं इतने अच्छे स्कूल में जाती थी और मेरे टीचर्स, सेकेंडली मेरे टीचर्स, जिन्होंने इतनी डेडिकेशन के साथ हमें पढ़ाया, एक्स्ट्रा क्लासेस ली, मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। और थर्डली मैं खुद को देना चाहूँगी जो भी श्रेय और श्रेय की मतलब आपको भी इस सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। यस, मैंने क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है जो सेल्फ मोटिवेशन, वो मैं हमेशा खुद से मोटिवेट होती रहती थी कि नहीं मुझे करना है करना है। अगर हमें खुद में पहले से नहीं होगा कि हमें कुछ करना है, चाहे हम जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, कुछ भी कर लें, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो आपको खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। निखिल, आप बच्चों को बताओ आप कैसे पढ़ाई करते थे? सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, जैसे मेरा तो कुछ अलग ही था। मैं तो जैसे सुबह उठा तो सबसे पहले मेरा यही था कि मैं अपना एक नोट्स बना लेता था कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है। जैसे थोड़ा सा पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया हर एक सब्जेक्ट का, तो मैं सोचता था कि मैं उसको कवर अप कर लूँ ताकि जो मेरा बर्डन था वो कम हो जाए। और इससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि जो आपका प्रेशर कम हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करोगे आप, और आपका बर्डन था वो भी एग्ज़ाम पे कम हो जाएगा और आप अच्छे से कवर कर पाओगे सिलेबस को पूरे से। तो मेरा तो यही था, छोटे छोटे पूरा हर रोज़ एक स्ट्रेटजी बनानी और उसको फिनिश अप करना, और जिससे आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी और कुछ और अच्छा कर पाओगे आगे एग्ज़ाम में, और जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे फ्यूचर में। कहना है कि आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ये नहीं आप एंड में पढ़ो। टॉपर्स और एवरेज बच्चों में यही डिफरेंस है कि वो डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। ये नहीं है कि आप एंड में जाके पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, तभी आप कुछ डिफरेंटली कर पाओगे अगर आप थोड़ा थोड़ा बर्डन अपना कम करोगे। तो निखिल के अकॉर्डिंग ये है। मंजोत, आप बताओ कि रिविज़न नोट्स हमें बनाने चाहिए, मतलब पढ़ते वक्त रिविज़न नोट्स बनाने चाहिए, क्या इससे हेल्प मिलती है, आप बताइए बच्चों। यस ऑफ कोर्स, हमें रिविज़न नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, इससे हमारी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। नोट्स के थ्रू हम अपने पूरे साल के चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट का निचोड़ जान लेते हैं, जिससे हम नियर एग्जाम अपनी क्विक रिवीजन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा हमने निचोड़। मंजोत, ये कहना चाहती है आप रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करिए, उससे जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे तो आपका टाइम सेव होगा, आप क्विक रिवीजन उसकी कर सकते हैं नोट्स की, आपके खुद के बने हुए नोट्स होंगे तो उससे भी फायदा होता है। उससे भी फायदा होगा क्योंकि वो हमने खुद बनाए होते हैं अपनी इजी लैंग्वेज में, और वो हम उसको जो मतलब फिट हो जाते हैं, बार बार हम उसको रिवाइज करते हैं, वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्रांगली बैठ जाते हैं। इससे हमें एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। और जब भी आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, आप कुछ बातें अपने माइंड में रखना कि नोट्स हैं जो टू द पॉइंट होने चाहिए लिखे उसमें। सो मेरा ओपिनियन तो यही है कि मेक गुड नोट्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हर स्ट्रीम का बच्चा है, निखिल फ्रॉम नॉन मेडिकल, सुखदीप फ्रॉम नॉन मेडिकल, हैंडचशन फ्रॉम मेडिकल, श्वेता एंड मंजोत फ्रॉम आर्ट्स, निशु फ्रॉम कॉमर्स। तो हर स्ट्रीम के बच्चों को फायदा होने वाला है इस वीडियो से। मोर ओवर टेंथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज तो वही रहनी है, चाहे टेंथ की हो चाहे प्लस टू की हो। टेंथ के लिए बच्चों के लिए भी फायदा है, प्लस वन वालों के लिए भी फायदा है, प्लस टू वालों के लिए तो बहुत ही फायदा है। आप कुछ भी क्वेश्चंस अपने टॉपर से पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखे, डायरेक्टली आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे, अगर आर्ट्स वाले को पूछना है तो श्वेता और मंजोत से पूछिए, मेडिकल वाले को पूछना तो वो जशन से पूछिए, नॉन मेडिकल वाले को पूछना तो वो सुखदीप और निखिल से पूछ सकते हैं, कॉमर्स वालों को कुछ पूछना है कि कौन सी बुक्स फॉलो करें, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है कि मान लो कोई क्वेश्चन हमारा यहाँ नहीं कवर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ भी आपके डाउट्स हैं माइंड में तो सब आप क्लियर कर सकते हैं इन योर कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी श्वेता से, ये बताओ कि एग्जाम से पहले कितनी रिविजन्स की लेयर लग चुकी थी, मतलब कितनी रिविजन्स आप कर चुके थे, बताइए बच्चों। फोर फाइव।
मतलब ये आप सिर्फ फुल सिलेबस की रिवीजन कह रहे हो कि आप मतलब क्लास टेस्ट को मिला के? नो मैम, क्लास टेस्ट को मिला के तो 7-8 बनती है, बोर्ड सबको मिला के 7-8 हो गए थे। यस मैम, मतलब 7-8 हो गए थे। यस मैम, तो इससे क्या फायदा हुआ? मैम इससे ये फायदा हुआ कि एक तो मतलब आपने अपने टेक्स्ट बुक जो भी है वो सब पढ़ ली, उसके बाद आप मतलब आपको सब कुछ क्लियर हो गया, अब आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, आप रिवीजन के साथ कंसिस्टेंट रहे। मतलब सिलेबस कब तक हो जाना चाहिए इतनी रिवीजन अगर चाहिए तो? आपको लगता है मतलब रिवीजन से ही रिजल्ट आएगा? यस मैम। तो रिवीजन अगर आपको लगता है 4, 5, 7, 8 आप जितने भी करिए, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती 7-8 रिवीजन, तो उसके लिए सिलेबस कब तक कर लोगे आप? अक्टूबर अगर अक्टूबर तक नहीं हो पाता है आपके साथ तो आप, जैसे लॉकडाउन है बच्चों को हेल्प बहुत कम मिली है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कम से कम नवंबर तक कर ही नहीं मैम? उसके बाद मैम रिवीजन के बाद आप जो भी याद करें या कुछ भी रिवीजन करें तो उसे लिखें। अच्छा, इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम दोगे तो उसके साथ आप मतलब आपका जो एग्जाम होगा उसकी जो भी उस इम्प्रेशन होगा तो वो बहुत अच्छा पड़ेगा। यस, और उसमें कुछ पॉइंट भी ऐड कीजिए जब भी आप टेस्ट देते हो या फिर एग्जाम देते हो। तो मन जो श्वेता कि हिस्ट्री बहुत डर लगता है बच्चों को, तो मतलब उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहते हो आप? मैम वाले बच्चों के पास हिस्ट्री अगर है या पॉलिटिकल साइंस है जैसे ये सब, तो उसके लिए कोई टिप्स हैं आपके पास? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पहली बात तो हिस्ट्री में मैम, क्योंकि मैंने तो बचपन से यही सुना कि रट्टे मारो उसमें भी मैम कहानियां होती हैं, उसको आप एज अ कहानी भी एज अ स्टोरी। हिस्ट्री को कैसे बनाएं? मैम इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को मैम उसको एज अ स्टोरी हम पढ़ेंगे वो ज्यादा अच्छी होगी मैम। यूट्यूब से पॉइंट्स में मैम लिख सकते हैं मैम, यस पॉइंट्स में लिख सकते हैं, उसके मेन पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हैं। फिर मैम जो उनके आंसर्स होते हैं वो भी काफी लॉन्ग होते हैं, फ्लो चार्ट मैम, यस कि क्या क्या कब कब हुआ था मैम। सुखदीप आप बताओ कि सेल्फ स्टडी करते हुए डाउट्स आते थे आपके, तो डाउट्स आते थे आप क्या करते थे, छोड़ देते थे ऐसे ही? क्लियर करने की कोशिश करती थी जैसे मुझे सेल्फ स्टडी में डाउट्स आते थे तो मैं यूट्यूब और गूगल पे जाकर उन्हें उसी टाइम सॉल्व करने की कोशिश करती थी, अगर वहाँ पे भी नहीं होता तो नेक्स्ट डे मैं अपने टीचर से पूछती थी वो डाउट्स। डिले नहीं करते थे कि हाँ पूछ लूंगी, कई बच्चे करते हैं ना डाउट्स आ गए और बस टिक मारते गए पूछ लेंगे, वो एग्जाम तक फिर क्लियर ही नहीं हो पाते। नहीं मैं डिले नहीं करती थी। क्या एडवाइस करोगे कि अगर डाउट्स आए तो? अगर डाउट्स हैं तो उन्हें तभी क्लियर करने की कोशिश करो या गूगल पर से या टीचर से पूछ के उसी टाइम कर लो, उसी टाइम कर लो, आगे ज्यादा डिले मत करो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो। ठीक है निशो, रिवीजन जब आपकी फुल सिलेबस की हो गई, अब मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि बहुत टॉपर्स ऐसे करते हैं, क्या आपने भी किया था कि 3-3 घंटे की सिटिंग देके सैंपल पेपर सॉल्व कर डाले? भाई टॉपर्स की हैबिट होती है, मैंने किए थे। बताओ कि बच्चे सुनना चाहते हैं? यस मैंने किए थे बहुत। दोबारा सुन लो कि जब आपका पूरा सिलेबस हो गया, रिवाइज भी हो गया, तो टॉपर्स क्या करते हैं, क्या वो 3-3 घंटे बैठ के एक पूरा पेपर सॉल्व करते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है? तो वो निशु बताएगी। यस मैंने किए थे, बहुत बच्चे करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो मैनेज होता है कि हमें ये क्वेश्चन इतनी देर में करना है, इतने टाइम में करना है, हमारी स्पीड इंक्रीज होती है और हमें जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करते हैं पैटर्न का पता चलता रहता है कि इस टाइप से पेपर आएगा। मैंने कम से कम 2 सैंपल पेपर एक दिन में सॉल्व कर देती थी, मेरा टारगेट था कि 2 सैंपल पेपर मैंने करने ही करने हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट के अलग 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 सब्जेक्ट के अकाउंट, मतलब जैसे निशु कॉमर्स की है तो इसने अकाउंट्स और क्या मैथ्स, इन 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट को लेकर चलती थी और उसका सैंपल पेपर सॉल्व करती थी। ठीक है, तो इससे फायदा होगा बच्चों को? हाँ जी बहुत फायदा होगा, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। पहली बार टाइम मैनेजमेंट आपको करना आएगा बोर्ड एग्जाम में कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं और आपका स्पीडली पेपर हो जाएगा। तो 3 घंटे बैठ के कृपया अपना सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें। उसके बाद जशन, क्लास टेस्ट हाफ ईयरली प्री बोर्ड होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? होने चाहिए जब कहते हैं बस सीधा बोर्ड एग्जाम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट और प्री बोर्ड्स भी। इससे सबसे पहली बात है जो सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाती है, अगर हम कहते हैं कि हाँ हमने पूरा कर लिया, हमारी सारे सब्जेक्ट
की, उन सारे सब्जेक्ट की या फिर सारे सिलेबस की हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो चीज़ हमें टेस्ट में पता चलती है। अगर एक टीचर ने एक चैप्टर भी दे दिया कि हम कहेंगे हाँ हो गया हमारा प्रिपेयर, और टेस्ट में हमें पता चलता है कि हमें जितना हमने किया था कि हमें वो सब कुछ आ गया था, हाँ इवैल्यूएशन हो जाती है। सेकेंडली हमें मुझे ये बताओ कि कई बार बच्चों के कम नंबर आते हैं, तो ऐसा है कि बोर्ड में भी कमी आएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही था कि मेरे टेस्ट में या प्री बोर्ड्स तक भी मेरे कभी अच्छे मार्क्स मतलब कभी नहीं मतलब आते नहीं थे ऑलमोस्ट टाइम्स। बोर्ड पे तो बहुत अच्छा आ गया। मैंने जो चीज़ मैंने खुद की वो था कि मैंने अपनी नेगेटिविटीज़ थी, जो वीकनेस थी, वीक पॉइंट्स थे जो अपने, मैंने उन पर ज़्यादा फोकस किया, उनको ओवरकम करने की कोशिश की थी। मतलब आपने डीमोटिवेट नहीं होना क्लास टेस्ट में, कम हाँ। कोई बात, क्लास टेस्ट की तो है, प्री बोर्ड ही तो है, बोर्ड तो नहीं है, तो आपने क्या करना है जितने भी आपकी लूप होल्स हैं उनको ओवरकम करना है, बोर्ड में सिक्स और मार्क दिखाना है। So, Nikhil, how much paper presentation is important? मतलब पेपर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, बच्चों ने इसको बताओ अपने। अगर तुम्हें मैं पर्सनली बताऊं, जैसे मैं टेंथ में था तो मैंने अपना प्रेजेंटेशन, मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैं ऐसे बोर्ड्स दे दिए और मैं बस ऐसे लिख के आ गया, कुछ भी कोई मैंने अंडरलाइन नहीं किया, कोई मैंने मेन हेडिंग नहीं दी, ऐसे ही मैंने पैराग्राफ में दे दिए, तो जो उससे मेरे रिजल्ट आया जो टेंथ का, उससे मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा और मेरे मार्क्स बहुत कम आए, पर मैंने उससे कुछ सीखा। उससे मैंने प्लस टू में जो मैंने जो अपने वीक पॉइंट्स थे उनको कवर अप किया, मैंने देखा, अपने टीचर से हेल्प ली, यूट्यूब से देखा, नेट से देखा। तो हमने आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन होता है उसको आपको टू द पॉइंट लिखना है, जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, आपको आपको उसको पॉइंट में बना लेना है, और पॉइंट में बना के आपको पेंसिल के साथ अंडरलाइन कर लो जो जो आपके मेन पॉइंट है, जिस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन है, और जो मेन हेडिंग है आप उसको अंडरलाइन करो। उससे क्या होगा, जो आपका पेपर चेक करेंगे टीचर्स, वो आपको छोटी मोटी जो गलती होगी वो भी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे वो। और मैथ्स के लिए है कुछ मतलब टिप के हमें आंसर को हाईलाइट करना चाहिए? हाँ, मैथ सबसे जरूरी है, हमने सॉल्व कर लिया उस पे, तो जैसे भी सॉल्व किया अलग अलग मेथड है, बट हमें क्या आंसर को हाईलाइट करना चाहिए? हाँ, मैथ में सबसे जरूरी है, क्योंकि टीचर्स तो, आपने पेपर तो सॉल्व कर लिया पूरा, लेकिन अगर किसी जो पेपर चेक करे अगर उसको यही नहीं क्लियर होगा कि बच्चे ने आंसर क्या निकालना है, तो आपको मार्क्स में ही कट कर लेगा। तो सबसे जरूरी है कि आप पूरा पेपर जैसे क्वेश्चन करेंगे तो साथ के साथ अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज आ रहा है तो फॉर्मूला लिखे आप साइड में, पॉइंट साइड में लाइन लगा ले, और वहां पर जैसे कोई भी आइडेंटिटी यूज हो रही है उसको लिखे, फॉर्मूले को लिखे, और सबसे लास्ट में फर्क पड़ता है, टीचर के ऊपर अच्छे इंप्रेशन जाएगा। कई बार होता है मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, फॉर्मूला लिखा, उसका भी एग्जामिनर सोच लेता है कि बच्चे ने फॉर्मूला तो लिखा, चलो मार्क्स देते हैं इसके। सबसे जरूरी है फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चन को तो आपको ये करना है कि फॉर्मूला तो लिख के आना है, आपको फॉर्मूला तो लिख के आना है, फिर आपको स्टेप वाइज करना है, हाईलाइट करना है आपको आंसर में, पेंसिल के साथ ले जाओ आप बोर्ड्स में, पेंसिल जनरली यूज करते हैं तो पेंसिल के साथ उसको अंडरलाइन करो जो भी पेन होता है, ताकि आप जो पेपर चेक करो उसको अच्छे से क्लियर हो जाए कि बच्चे ने आंसर लिखा है, और उसको दिमाग में कुछ नहीं है कि बच्चे कोई नेगेटिविटी नहीं है कि बच्चे ने मैं वो बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पेपर हुआ था उसके बाद मैंने जो चेक किया वो इतना अच्छा था, ये हो सकता है कि मुँह या मिठू हो, लेकिन मैम मतलब इतना अच्छा था, मैंने मतलब एग्जामिन कर लिया था तो खुद मैंने देखा कि इतने मार्क्स जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव में होता है क्योंकि वहाँ पे आपके कट जाते हैं, क्योंकि इतना एक जैसे ही होते हैं सारे जो उन्होंने 4 वो दिए होते हैं, तो वहाँ पे मुझे पता था कि निकलने वाले हैं आपसे। उसके बाद मेरा एक भी मार्क्स नहीं गया, उस जो मैंने मतलब वो किया था सेल्फ इवैल्यूएशन की थी अपने पेपर की, तो वही मेरा कटा है, उसके अलावा कुछ नहीं कटा उसके बाद। मतलब आपने कैसे प्रेजेंट किया था? तो हिस्ट्री का ये रहता है मैम कि आपको इंट्रो दो पहले, तो उसके बाद कंटेंट लिखो, उसके बाद कंक्लूजन, और उसको हाईलाइट करो आपके पॉइंट्स को, और उसके बाद एक्सेप्शंस भी होते हैं हिस्ट्री में, एकदम देख के पता लगता है वो ये आंसर देना चाहता है, और हिस्ट्री में एक्सेप्शंस भी होते हैं उसको भी ऐड करो लास्ट में आप, और जो पॉलिटिकल में होता है तो वहाँ पे एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था मेरा जो मतलब हाफ ईयरली वगैरह में, तो मैंने वहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ की कि आप एक ग्राफ की तरह बना लो, पॉइंट एरो निकल जाएंगे, इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा, और आप फ्रेजेस में लिख दो उस उन पॉइंट्स को, और बाद में कंक्लूजन इंट्रो हो जाएगी आपका, जो भी है बीच में वो हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, उसके बाद आपका कंक्लूजन हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और टेंथ में भी है मतलब टेंथ का अगर हम मेनली अगर हम देखें SST का पेपर सोशल साइंस का, तो
वैसे आई एम मेडिकल स्टूडेंट, जब मतलब टेंथ तक मैंने दिया था तो मेरा बेस्ट जो रिजल्ट था वो SST में और हिंदी में गया था, तो हिंदी में भी वही कि पॉइंट्स को हाईलाइट को क्योंकि उन्हें मुझे भी नहीं पता कि हाँ वो रट्टे नहीं मारने चाहिए उस चीज़ को समझो, अगर हमें हेडिंग हमें एक चीज़ करनी चाहिए हमें कि जो हेडिंग है ना उस चीज़ को अगर हमने समझ लिया कि हाँ हमें पता चल गया ये हेडिंग है और हमने खुद में बना ली एक अपने दिमाग में उस चीज़ का एक कंटेंट बना लिया माइंड मैप बना लिया तो वो हो जाता है। और मैक्सिमम आप मतलब अगर होता है आपसे तो आप ये करा कीजिए कि पैराग्राफ में लिखने की बजाय आप उस चीज़ को पॉइंट्स में लिखिए, स्पेशली SST में, कि एक इंट्रो दे के और बाकी सब कुछ पॉइंट में, टेंथ के लिए स्पेशली। मनजोत ये बताओ कि आपने पेपर जो बोर्ड एग्जाम थे लास्ट से स्टार्ट किया लास्ट सेक्शन से कि फर्स्ट सेक्शन से, और क्या फायदा हुआ मतलब जिस भी सेक्शन से करें बच्चों क्या फायदा हुआ? अकॉर्डिंग टू मी मैम हमें आर्ट स्टूडेंट्स को अपना पेपर लास्ट सेक्शन से स्टार्ट सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे ख्याल से सबके लिए एप्लीकेबल है। ज्यादा मार्क्स का होता है, लास्ट सेक्शन से ही स्टार्ट करना चाहिए, लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो हम फ्रेश माइंड से सोल्व करें तो अच्छे से सोल्व होंगे, जो हम पहले स्टार्टिंग से सेक्शन स्टार्टिंग से करते हैं तो वो फ्रेश माइंड शॉर्ट मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होते, बट लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से सॉल्व करें, और कि लास्ट में हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड ना हो कि कुछ मिस ना हो, कि मैक्सिमम मार्क्स का कुछ मिस ना हो। मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी 10th और प्लस 2 में ही आत्मा जागी थी कि पढ़ना है कि बचपन से ही सारे तुम पढ़ाकू थे, बचपन से सारे पढ़ाकू थे? अच्छा कौन कौन बच्चे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट एक चीज की कुछ करना है ये चीज थी हमेशा नहीं, मतलब किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस के जो 10th और प्लस 2 में जिसकी आगे आत्मा जागी कोई अच्छा सुधी बताइए। 10th और प्लस 1 में तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, प्लस 2 में मैंने ठान लिया कि कुछ करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अच्छा तो मतलब क्या ऐसा क्या हो गया कि आपने मतलब प्लस टू में ही ठाना आके मेरे को अच्छे मार्क्स लेके आने, ऐसा क्या हो गया था? Yes, मतलब किसी ने कुछ टोंट मार दिया था तो मुझे उसे ऐसे मतलब डीमोटिवेट किया था मिलती है उससे भी लेना, बट सुखदीप के केस में ऐसा था कि इसने डीमोटिवेशन को ही अपनी मोटिवेशन बना लिया, कैसे? तो मुझे उसे बस गलत प्रूव करना था कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आ सकती हूँ बोर्ड्स में, तो वो मैंने आपको कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा कि मतलब मुझे कोई बेस बनाना है अपना, तो अच्छे मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे उसके लिए, जो पॉइंट निकल के आ रहा है आपको कोई वजह चाहिए, जब तक कोई बड़ी वजह नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ क्यों रहे हैं? आप पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, कोई जॉब हासिल करनी है, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। ओके कोई और ऐसा बच्चा जिसकी अंतर आत्मा बोर्ड एग्जाम में ही जागी, सिर्फ कोई ऐसा अच्छा सारी पढ़ाकू थे? आप निखिल बोलना चाहोगे कुछ? टेंथ और प्लस वन में तो मैं एक बस ज़्यादा सीरियस नहीं था, तो मैं जैसे बस पढ़ लेता था कि जो करवाया कोई प्रैक्टिस नहीं, मैंने जो सेल्फ प्रैक्टिस होती है सबसे मेन, जो सेल्फ स्टडी पे इतना ध्यान नहीं दिया, जो बस करवा दिया वही करवा लिया, तो उससे क्या होता है जो आप कर तो लेंगे, आप उस टाइम जब कर रहे हो तब तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मुझे आता है, लेकिन आप थोड़े दिन बाद उसको भूल जाओगे और आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा वो, लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको कुछ भी याद रहेगा, टू द पॉइंट आप कुछ जो भी समझेगा आप लिख के आ जाओगे, लेकिन उससे आपको रिजल्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, लेकिन मेरे साथ हुआ पर्सनली, मैंने जो आपको बता रहा हूँ 10th में, तो मैंने प्लस 2 में उसको ओवरकम किया, तो मैंने क्या किया अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दिया, जितनी ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आप आगे जाओगे, तो मैंने क्या किया फोकस में अपने मैंने पूरा का पूरा फोकस अपने जो रिजल्ट पे रखा पूरे के पूरे, जो मेरे 12th थी मैंने पर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं अपनी आने दी, और अपना पूरा का पूरा मुझे अपना 24 घंटे अपना लक्ष्य पर ध्यान रखा और मैंने अपना फोकस रखा ताकि मैं अपने रिजल्ट अच्छा लगा अल्लाह को, जो मेरे साथ 10th में नहीं हो सका था, तो बस यही था मेरा। तो 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो देखा आपने कि 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए बट प्लस 2 में तो रॉक मतलब रॉकिंग स्टार हो गया, सबसे हाईएस्ट आई थिंक सुखदीप और निखिल के सेम थे, मतलब सेम थे ठीक है, अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो अच्छे आया सेल्फ डेडिकेशन सेल्फ मोटिवेशन कि हाँ भाई अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है। और मोर ओवर आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि प्लस 2 के मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को ऐसा किसी का ओपिनियन? यस प्लस 2 के 10th के मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है
क्योंकि वो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, तो वो कुछ होता है बच्चों को ये लगता है कि हमें कुछ करना है, हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है. बट हाउ मच 12 बोर्ड एग्जाम इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू, कोई बताएगा? काफी ज्यादा है मैम. अब जैसे लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से मैम एंट्रेंस कैंसिल हो गए हैं, तो सीधा ही वो आपके 12th के मार्क्स ही देख रहे हैं. और आपको ये बहुत मतलब अच्छी चांस है उन लोगों के लिए जो कई बार क्या होता है हमारे मार्क्स वैसे भी बोर्ड वैसे बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज में है. इसमें आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको मतलब हर जगह इसकी वेटेज तो मिलती है. यस मैम, 12th की बहुत ज्यादा. यस ओके, तो बोर्ड एग्जाम प्लस टू वाले तो भाई अपनी कमर कस लो और लग जाओ पढ़ाई में, फोड़ दो भाई इस बार. अच्छा, कोई मतलब दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जो रह गया कि दोस्तों का क्या रोल होता है? पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, आपका खुद का भी रोल है, सबने बोल दिया. दोस्तों का भी कुछ रोल है कि सिर्फ डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं, क्या आपको सपोर्ट भी करते हैं? कौन देगा इसका आंसर? श्वेता अगेन. मैम दोस्तों का ऐसा है कि आपको खुद चूज़ करना है. अगर आपको वो ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है उनके साथ रहते हुए, वो आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है. इससे ज़्यादा अच्छा क्योंकि आपके अगर आपके यस मैम क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ ही अपना जो भी है शेयर कर सकते हो सबसे ज़्यादा अच्छे से. लेकिन ये ध्यान रखना है, कई बार हमारी जो मिस्टेक हो जाती है चूज़ करने में अपने फ्रेंड्स, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप देखो, क्योंकि पता चल जाता है अगर आप किसी के साथ. तो पढ़ने वाले हो लेकिन निशु पढ़ने वाली नहीं है, ठीक है? इसने आपको कहा था छोड़ना, चलते हैं कहीं पार्टी पुट्टी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो मतलब आप चल पड़ोगे उसके साथ कि आप इसको चेंज करने की कोशिश करो. ऐसे भी तो होता yes, है कि अगर एक दोस्त डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या पता आप उसको चेंज कर दो, ऐसा हो yes, सकता है. ऐसा होता है कि कई बार हम खुद के लिए तो बोलते हैं लेकिन उसे ये एडवाइस नहीं करते या फिर उसे आप उसको छोड़ देते हो. यस मतलब कई बार मैंने देखा है ऐसा कि आप लोग जो क्या करते हो कि अपने दोस्त को छोड़ देते हो कि ये तो बिल्कुल निकम्मा है, पढ़ता नहीं, छोड़ो इसको, मेरे को तो अपना देखना. इतना सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए, आपको अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलना है. कई बार क्या होता है कि आप उनकी लाइफ बदल सकते हो, अगर वो आपकी नहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उनकी लाइफ बदल सकते हो. मैम 12th में हुआ था ऐसे ही कि सभी एक दूसरे की हेल्प करने लगे थे तब. अच्छा, प्लस वन में नहीं करते थे, प्लस वन में था कि चलो अगर गेम पीरियड में जाना है तो चलो साथ ही. प्लस वन में कोई सीरियस होता ही नहीं, किसी को भी क्लास में नहीं रहने देंगे, तो सबको जाना है ग्राउंड में. और है कि फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा हो, ग्रुप स्टडी, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो. एमबीए में हम खुद करते थे, मतलब सारे मेरे घर ही आ जाते, सारे बॉयज भी हो, तो मैं नोट्स बनाती थी और फिर मैं उनको पढ़ाती थी. फिर कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते थे कि वो बना के लाते थे कभी, फिर वो पढ़ाते थे, तो ऐसे करके तो बड़े जल्दी हमारा सिलेबस हो जाता था. चैप्टर के इसने बना लिया, इसने बना लिया और डिस्कस कर लिया, तो डिस्कशन से भी बहुत चीजें आती हैं. तो मैम ने जो भी हमें नोट्स बनाने के लिए तो सबके साथ ही शेयर करते थे, ऐसा नहीं था कि मजा भी आता था. हम कभी समोसे मंगाते थे, बड़ा मजा आता था. स्टडी इंटरेस्टिंग बन जाती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है. लेकिन ये होना चाहिए कि कोई ऐसा दोस्त ना हो जो नहीं मान रहा, फिर छोड़ दो आप. कि नहीं भाई, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको छोड़ दो, बट पहले ये ट्राई करो कि उसको भी चेंज करो, उसकी भी लाइफ थोड़ी सुधारो. ओके, लास्ट मैं कोई मैसेज आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हो, क्योंकि आज इन्हीं की जुबानी, सीनियर्स की जुबानी आप सुन रहे हो कि इन्होंने क्या ऐसा किया था कि इनके अच्छे मार्क्स आए. अब टीचर्स बता देते हैं, पेरेंट्स कह देते हैं देख उसको, देख इसको, देख, इसीलिए हमने इनको ही बुला लिया. अभी ये खुद ही बताएंगे इन्होंने क्या किया था. तो अब मुझे कोई मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहता है, कोई बच्चा. हाँ निशु, अच्छे मार्क्स के लिए हमें पहले तो सोशल मीडिया को दूर करना होता है. मेरा तो मानना है कि आप जैसे फेसबुक इंटेलिजेंस हो गई है सोशल मीडिया पर, बच्चे नहीं कर पाते. सिर्फ पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करो, जैसे यूट्यूब गूगल, इन सब चीज़ों पे आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को ही ढूंढ सकते हो. जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब चीज़ों को आप कुछ नहीं पढ़ा, मतलब उन्होंने क्या डाला, डिस्ट्रैक्ट किसी ने क्या करना है ना, मतलब आपका इतना प्रीशियस टाइम है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो इन सब चीजों के. स्टडी पे फोकस करना है ना, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ यस मैम कहां गया था, वो कहां गया था, तो वो सब छोड़ दो. अभी उसमें कुछ नहीं रखा, वो सब छोड़ के अपना पढ़ाई पे फोकस. अभी तो सिर्फ भी थे अब तक, कोई बात नहीं, 3-4 महीने बाद यूज कर लेना, देख लेना किसकी लाइफ में क्या हो रहा है. सिर्फ 4 महीने ही रह गए अब तो, नहीं पड़ी रहेंगी फेसबुक पे, कहीं नहीं जाते, देख लेना उसके बाद, ठीक है ना. 4 महीने रह गए, उसके बाद आप दोबारा से इंस्टॉल कर सकती हो सभी चीजों को, वापिस वैसे ही आ जाएगा. मतलब वैसे तो 4 महीने बाद आपका और मेन टाइम शुरू होता है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है किसी, यस एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, किसी को नीट का देना है, तो इसलिए आपको और ज्यादा अपने मतलब अपने आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा. लेकिन
ये है कि चलो थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप फिर से थोड़ा सा देख लो, मस्ती मार लो, लेकिन फिर से अपने ट्रैक पे आ जाओ. Yes. बीच बीच में एंजॉयमेंट भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, हमने भी बहुत मस्ती मारी है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करी है. तो पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली सीडी लिस्ट बना लो अपने कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले उस पर फोकस करो, क्या वो चीज प्रायोरिटी सेट करनी है आपको अपनी. मैम एक ये भी होता है कि जैसे हम YouTube पे गए तो अपने चैप्टर की वीडियो देखने हैं, तो सिद्धू से वाले का गाना आ गया तो ये भी देखने, तो फिर एक करण का भी आ रहा है, करण ओजले का भी देख लेते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहा तो एकदम से ट्रैक पे आ जाओ. बनाई थी पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसमें पोमोडोरो टेक्निक है, वो मैं कहूंगी बच्चे जरूर अपने फोन में इंस्टॉल करें. उससे टाइमर टाइप होता है, मतलब एक बार जिसको नहीं समझ आया फिर से मुझे लिख देना कि मुझे, मैंने एक बार समझा चुके उस वीडियो में, तो वो वीडियो आप देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा सब क्या. Yes. तो उसमें अगर आप स्विच हो भी रहे हो तो आप वापस से आ जाओगे. और कोई मैसेज कोई देना चाहता है जशन? ये बहुत अच्छी बात है अगर हमारे पेरेंट्स और मोटिवेटिंग है, सपोर्टिव है, टीचर्स, फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं. अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं करा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैं कि फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे. लेकिन एक चीज़ जो है आपको दिमाग में रखनी है हमेशा कि आपको आप जो है खुद से सबसे ज़्यादा मोटिवेट होगे. फ्रेंड्स और टीचर्स हाँ वो अच्छा है कि आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, लेकिन जब तक आपको आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगे तब तक आप बहुत. यस मैम. मतलब ये सोचते हैं कई बार ना, एहसान करते हैं बच्चे कि मैं भाई पेरेंट्स के लिए पढ़ नहीं. हमें एक चीज रखनी चाहिए, हमें अगर अगर हमारा एक एम है तो हमें, मतलब खुद का अगर एम है, अगर हमें है कि हमें खुद के लिए कुछ करना है, क्योंकि पेरेंट्स हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज वो इस फैन से जा चुके हैं, जो कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं. यस, क्योंकि फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, हमें जॉब मिलेगी. अच्छा ठीक है, जो स्कूलों में पोस्टर लगते हैं वो उनके लगने हैं, टीचर उनके लिए लगेंगे. एंड नो वन विल कम टू पुश यू, you have to do it yourself. push yourself. will come and push you. आपको अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा. Yes. Self motivation is very important. सब इकट्ठे क्या बोलना चाहोगे, सब बोल दो, क्या बोलना. Best of luck to us. All the best. And you definitely rock. So best of luck. You all will rock. तो इन मतलब सीनियर से मुझे लगता है कि इनसे बात करके आपको बहुत बहुत हेल्प मिली होगी. तो आपने ये अप्लाई करनी है अपने, मतलब जितने भी 3-4 महीने रह गए आपने अप्लाई करना है ये सारी चीज़ों को. फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी चिट चैट करनी है, कमेंट सेक्शन है उसमें लिखो, इंडिविजुअली पूछो क्वेश्चंस. आप आंसर देने के लिए रेडी हैं? Yes. पक्का हेल्प करोगे जूनियर्स की? तो आपने जूनियर्स की हेल्प करनी है और उन्हें बताना है. और सब बच्चे ये भी लिखेंगे किन किन बच्चों ने ये चीज़ें अप्लाई करी. अभी तक सो रहे हो तो जाग जाओ भाई और कुछ करके दिखा दो. वही बार बार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, 4 महीने रह गए, कहर मचा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, बस लग जाओ पढ़ाई में. बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे.